यदि आपको माइक वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी टॉपिक रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए डालना है तो इस नंबर पे हम उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस दे देंगे, वैसा आप पार्सल लगा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पोको X3 प्रो का ऑन ऑफ की के डायग्राम के बारे में जानते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जैसे कि हमारी ऑन ऑफ की वर्क नहीं कर रही है, तो ये हमारी है रेड वाली जो की है, ये है ऑन ऑफ की। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये एक रहता है हमारा ग्राउंड, और ये जो दो की है वॉल्यूम के लिए काम में आती है। तो इसमें से एक हमारी ये जो है पावर की, ये डायरेक्ट पावर रजिस्टर के थ्रू होते हुए पावर आईसी में गई है, और ये हमारी वॉल्यूम डाउन है और ये हमारी वॉल्यूम अप है। तो ये दोनों आईसीयू में गई है, लेकिन यदि हमारी ऑन ऑफ की वर्क नहीं करती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट चेक करने हैं। 1, 2, 3 रजिस्टर्ड होंगे ये लगे हुए, ये चेक करने हैं इसकी वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं। या तो आप जंपर मार के भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप कंपोनेंट चेंज करके देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक के था, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए कोई और दूसरे मॉडल के, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपने एक बार मॉडल देखा नहीं होगा पूरा, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए हमारे टॉपिक की, तो यदि आपके पास कोई और दूसरा मॉडल है, आपको उस मॉडल की वीडियो चाहिए, यदि आपको माइक वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी टॉपिक रहे तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई फ़ोन रिपेयरिंग के लिए डालना है तो इस नंबर पे हम उनको कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस दे देंगे, वैसा आप पार्सल लगा सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।